नमस्कार नमस्कार मित्रों, आज मित्रों। आज हम हम एक एक ऐसी ऐसी चिकित्सा चिकित्सा पद्धति पद्धति के के बारे बारे में में जानेंगे जानेंगे जिसे जिसे मनोचिकित्सा मनोचिकित्सा या या साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी या या क्षमापना क्षमापना रेडियल रेडियल फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस करके करके आजकल आजकल अमेरिका अमेरिका में में इसके इसके क्लिनिक क्लिनिक खुल खुल चुके चुके हैं। हैं। और और जैन जैन धर्म धर्म में में जैसे जैसे कि कि जैन जैन धर्म धर्म की की क्षमापना क्षमापना जो जो है है परिषण परिषण पर्व पर्व के के समय समय मिच्छामि मिच्छामि दुक्कड़म दुक्कड़म नामक नामक का का महामंत्र महामंत्र का का ये ये लोग लोग जैसे जैसे जैन जैन कम्युनिटी कम्युनिटी के के लोग लोग मिच्छामि मिच्छामि दुक्कड़म दुक्कड़म मतलब मतलब क्षमापना क्षमापना करते करते हैं। हैं। तो तो ये ये जो जो चीज चीज है है ये ये आपके आपके जिंदगी जिंदगी में में एक एक आमूलचूल आमूलचूल परिवर्तन परिवर्तन लाकर लाकर आपके आपके जीवन जीवन में में एक एक सकारात्मक सकारात्मक संदेश संदेश देती देती है। है। अपनी अपनी आंखें आंखें बंद बंद करो करो और और उस उस व्यक्ति व्यक्ति को को याद याद करो करो जिसने जिसने तुम्हें तुम्हें इतना इतना परेशान परेशान किया किया है। है। इस इस व्यक्ति व्यक्ति का का आपका आपका छोटा छोटा हो हो या या बड़ा बड़ा हो हो सकता सकता है, है, लेकिन लेकिन उसने उसने आपके आपके मन मन पर पर गहरी गहरी छाप छाप छोड़ी छोड़ी हो। हो। यह यह व्यक्ति व्यक्ति शायद शायद आपका आपका कोई कोई करीबी करीबी हो हो सकता सकता है, है, हो हो सकता सकता है है आपके आपके माता माता पिता पिता ने ने आपके आपके साथ साथ गलत गलत किया किया हो, हो, हो हो सकता सकता है है आपके आपके पति पति ने ने आपको आपको धोखा धोखा दिया दिया हो, हो, हो हो सकता सकता है है आपके आपके बच्चे बच्चे आपको आपको छोड़कर छोड़कर चले चले गए गए हो, हो, हो हो सकता सकता है है आपके आपके भाई भाई बहन बहन आपके आपके साथ साथ बातचीत बातचीत ना ना करते करते हो, हो, हो हो सकता सकता है है आप आप स्वयं स्वयं से से नाराज नाराज हो। हो। अपने अपने भीतर भीतर दबे दबे इस इस सारे सारे क्रोध क्रोध को को सतह सतह पर पर लाओ, लाओ, अपनी अपनी हृदय हृदय की की आपकी आपकी जो जो हृदय हृदय की की गति गति है है वो वो बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगी, आपका आपका चेहरा चेहरा लाल लाल हो हो जाएगा, जाएगा, गुस्से गुस्से में में आप आप तमतमा तमतमा जाएंगे, जाएंगे, आपको आपको ऐसा ऐसा लगेगा लगेगा अगर अगर कोई कोई चमत्कार चमत्कार हो हो जाए जाए और और यह यह जो जो गुस्सा गुस्सा है है पल पल भर भर में में पिघल पिघल जाए, जाए, आप आप कितने कितने आरामदेह आरामदेह और और हल्के हल्के महसूस महसूस करेंगे। करेंगे। एक एक अमेरिकी अमेरिकी लेखक लेखक हुए हुए हैं हैं कॉलिन कॉलिन टैपिंग, टैपिंग, रेडियल रेडियल फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस नाम नाम की की उन्होंने उन्होंने किताब किताब लिखी लिखी है, है, और और इस इस किताब किताब के के आधार आधार पर पर अमेरिका में सैकड़ों सैकड़ों रेडिकल रेडिकल फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस क्लिनिक क्लिनिक खुल खुल चुके चुके हैं। हैं। इन इन क्लिनिकों क्लिनिकों में में रेडिकल रेडिकल फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस का का 6 सप्ताह 6 सप्ताह का का कोर्स कोर्स चलता चलता है। है। इस इस पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के के प्रतिभागी प्रतिभागी निद्रा, निद्रा, निंदा, निंदा, घृणा, घृणा, बेवफाई, बेवफाई, क्रोध, क्रोध, ईर्ष्या ईर्ष्या आदि आदि जैसे जैसे बोझ बोझ से से मुक्त मुक्त होकर होकर वर्तमान वर्तमान में में जीना जीना शुरू शुरू कर कर देते देते हैं। हैं। मतलब मतलब वर्तमान वर्तमान में में जीने जीने का का टेक्निक टेक्निक इन्हें इन्हें सिखाया सिखाया जाता जाता है। है। मौलिक मौलिक क्षमा क्षमा सिद्धांत सिद्धांत के के समर्थकों समर्थकों का का कहना कहना है है कि कि आपका आपका गलत गलत करने करने वाले वाले को को क्षमा क्षमा न न करने करने से से आप आप अपने अपने अतीत अतीत के के कैदी कैदी बन बन के के रह रह जाते जाते हो। हो। आपको आपको ये ये पुरानी पुरानी यादें यादें जो जो है, है, पुरानी पुरानी जो जो चीजें चीजें है, है, ये ये जीवन जीवन जीने जीने नहीं नहीं देती देती आपके आपके जीवन जीवन में में बाधा बाधा डालती डालती है। है। जब जब आप आप किसी किसी को को क्षमा क्षमा कर कर देते देते हो, हो, तब तब आप आप स्वयं स्वयं का का नियंत्रण नियंत्रण उस उस व्यक्ति व्यक्ति के के जब जब आप आप क्षमा क्षमा नहीं नहीं करते करते हो हो किसी किसी को, को, तो तो आप आप अपना अपना नियंत्रण नियंत्रण दूसरे दूसरे के के हाथों हाथों में में देते देते हो, हो, वह वह आपको आपको गुस्सा गुस्सा दिलाएगा दिलाएगा और और आपके आपके अंदर अंदर की की भावनाएं भावनाएं उफनती उफनती चली चली जाएगी जाएगी और और आप आप अपना अपना नियंत्रण नियंत्रण खो खो बैठोगे। बैठोगे। अपने अपने अंदर अंदर की की भावनाओं भावनाओं पर पर कब्जा कब्जा कर कर बैठे बैठे हैं हैं बाहर बाहर के के लोग, लोग, जैसे 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 के के साथ साथ तैसा तैसा होने होने की की बात, बात, अपराधी अपराधी को को स्वयं स्वयं दंड दंड देने देने की की इच्छा, इच्छा, उसे उसे अपनी अपनी औकात औकात दिखाने दिखाने की की इच्छा, इच्छा, यही यही भावनाएं भावनाएं आपके आपके हृदय हृदय में में सदा सदा पनपती पनपती रहती रहती है है और और आप आप जाने जाने अनजाने अनजाने में में ऐसी ऐसी हीन हीन भावनाओं भावनाओं का का ऐसे ऐसे हीन हीन भावनाओं भावनाओं का का गुलाम गुलाम हो हो जाते जाते हो। हो। इसीलिए इसीलिए अगर अगर आप आप वर्तमान वर्तमान में में जीना जीना चाहते चाहते हो, हो, अतीत अतीत की की इन इन कड़वी कड़वी यादों यादों से से भूलना भूलना चाहते चाहते हो, हो, तो तो आप आप में में क्षमा क्षमा करने करने का का साहस साहस होना होना चाहिए। चाहिए। किसी किसी को को भी भी क्षमा क्षमा करने करने के के लिए लिए बहुत बहुत साहस साहस की की आवश्यकता आवश्यकता होती होती है। है। इसे इसे हम हम जैसे जैसे कि कि भगवान भगवान महावीर महावीर स्वामी स्वामी के के जीवन जीवन से से सटीक सटीक समझ समझ पाएंगे। पाएंगे। हमारे हमारे हमारी हमारी जान जान लेने लेने के के लिए लिए हम हम पर पर हमला हमला करने करने वाले वाले को को दंडित दंडित करने करने की की तुलना तुलना में में किसी किसी को को क्षमा क्षमा करने करने में में अधिक अधिक साहस साहस की की आवश्यकता आवश्यकता होती होती है। है। जब जब हम हम किसी किसी पर पर क्रोध क्रोध करते करते हैं हैं तो तो उस उस क्रोध क्रोध को को अपने अपने मन मन में में धारण धारण कर कर लेते लेते हैं हैं तो तो वास्तव वास्तव में में हम हम स्वयं स्वयं को को दंड दंड दे दे रहे रहे होते होते हैं, हैं, न न कि कि उस उस व्यक्ति व्यक्ति को। को। उसके उसके अनुचित अनुचित परिणाम परिणाम भी भी हमें हमें स्वयं स्वयं भुगतना भुगतना पड़ेगा। पड़ेगा। यह यह जो जो अकारण अकारण क्रोध क्रोध है, है, यह यह हमारे हमारे मन मन को को गहरा गहरा चोट चोट पहुंचाता पहुंचाता है, है, जिस जिस वजह वजह से से अगर अगर हम हम इस इस क्रोध क्रोध के के क्षण क्षण से से छुटकारा छुटकारा पा पा लेते लेते हैं, हैं, तो तो हमारा हमारा जो जो मानसिक मानसिक बोझ बोझ है है वो वो हटकर हटकर हम हम स्वयं स्वयं ठीक ठीक हो हो जाएंगे। जाएंगे। जैसा जैसा कि कि क्षमा क्षमा अपना अपना जो जो है है मतलब मतलब माफी, माफी, क्षमा क्षमा एक एक प्रकार प्रकार की की संजीवनी संजीवनी है, है, उसे उसे स्पर्श स्पर्श आगोश आगोश से से हम हम स्वयं स्वयं स्वस्थ स्वस्थ हो हो जाते जाते हैं। हैं। किसी किसी भी भी
उसे क्षमा करने से हम क्रोध मुक्त हो जाएंगे। जैन धर्म में इसको बहुत सहज बनाया गया है। सच्चे जैन अबाल वृद्ध को क्षमा मांगने और क्षमा देने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। क्षमा करने के लिए एक बहुत आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जिन्हें स्वयं पर सच्चा अटूट विश्वास है वही क्षमा मांग सकते हैं और क्षमा दे सकते हैं। जिसमें क्षमा पर्व मनाया जाता है, जैन धर्म इसका विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है। जैन धर्म में मिच्छामि दुक्कड़म को महामंत्र माना गया है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपने प्रजा को इतनी सहजता से क्षमा नहीं कर पाता जितना सच्चे जैनी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का सार यही है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में जीवन की सार्थकता भलाई इसी में है। अब ये चीज हमने कैसी करनी चाहिए? तो जब भी हम रात में सोते हैं तो सुबह से लेकर रात की घटनाओं को आपने याद करना है और आपने देखना है कि आपको आपके जीवन में किस व्यक्ति की वजह से तकलीफ हुई है। आप चाहे ये प्रार्थना भी कर सकते हैं कि आज इस जीवन में आज के दिन मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, या मेरी वजह से किसी को कोई शारीरिक मानसिक या आर्थिक परेशानी हुई हो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, या मुझे किसी ने आर्थिक शारीरिक या मानसिक रूप से दंडित किया हो दुखी किया हो तो मैं उसको क्षमा करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आप पसंद आएगा। धन्यवाद।